बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज़ डिस्कशन इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दो टाइप्स का होता है, एक हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है। ये दोनों इनहेरिटेड स्वेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है और हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं, इसमें फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, एक्स लिंक रिसेसिव होता है। एक्स लिंक रिसेसिव का मतलब ये होता है कि ये हीमोफीलिया होने के लिए जो आपका ऑल ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स का एबनॉर्मल जीन होना ज़रूरी है। ऑल ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर एबनॉर्मल जीन होगा तो ही आपकी जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होती हैं वो अपेयर होती हैं। सिर्फ मेन के अंदर क्योंकि एक एबनॉर्मल कॉपी होती है, क्योंकि उनका एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि वमेंस के पास दो एबनॉर्मल कॉपीज होनी चाहिए क्योंकि उनके पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर एक वमेन के अंदर एक कॉपी अफेक्टेड होती है और एक आपकी नॉर्मल है तो वमेंस आपकी कैरियर होती हैं। जो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी है वो एक्सक्लूसिवली आपके मेल्स को ही अफेक्ट करता है। फीमेल के लिए अफेक्ट होने के लिए या तो उसके फादर को अफेक्टेड होना चाहिए या फिर मदर अफेक्टेड हो, या मदर आपकी अफेक्टेड हो या फिर मदर आपकी कैरियर हो, तो ही फीमेल को हो सकता है कि फादर भी अफेक्टेड है और मदर कैरियर या अफेक्टेड दोनों है। मतलब फादर या मदर दोनों को हीमोफीलिया है या फिर फादर को हीमोफीलिया है और जो मदर है वो कैरियर है या फिर अफेक्टेड है, तो ही फीमेल को होगा। अदरवाइज जो हीमोफीलिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेल्स के अंदर होता है। साइन एंड सिम्टम्स में जो हीमोफीलिया ए और बी दोनों में ही स्वेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हल्के फुल्के ट्रॉमा के बाद भी बहुत ज़्यादा पेशेंट ब्लीड करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रॉमा नहीं भी होता, स्पॉन्टेनियस हैमरेज डिवेलप हो जाते हैं इनके अंदर। ज़्यादातर जो केसेस प्रेजेंट करते हैं वो न्यूनेट्स या अर्ली चाइल्डहुड के अंदर प्रेजेंट कर जाते हैं, जिसमें उनको इंट्राक्रेनियल हैमरेज होगा या हिमाटोमास बन जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, या फिर जब अम्ब्रैकल कॉर्ड को हम क्लैंप कर रहे होते हैं न्यूनेट्स के अंदर तो कॉर्ड की ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पता चलता है कि शायद इनको हीमोफीलिया है। हम हीमोफीलिया के इस तरह के पेशेंट्स को चेक करते हैं। हीमोफीलिया के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, जिसको हम हीम आर्थ्रोसिस कहते हैं, और मसल्स के अंदर भी ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि क्लासिकल फीचर होता है स्वेयर हीमोफीलिया का। और ये एग्जाम्स में भी आता है कि जॉइंट्स के अंदर अगर ब्लीडिंग होगी, हीम आर्थ्रोसिस होगा या मसल के अंदर ब्लीडिंग होगी, तो वो इंपॉर्टेंट बात है हीमोफीलिया के लिए। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो उसकी वजह से जॉइंट डैमेज हो जाता है और डिफॉर्मिटी हो जाती है जॉइंट्स की। अब एबनॉर्मल ब्लीडिंग बाकी एरियाज के अंदर भी हो सकती है, जैसे कि आपके गम से ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक की ब्लीडिंग होगी तो हीमाचूरिया ब्लडी यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकता है, और कोई भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर कराया तो उसके बाद ब्लीडिंग हो सकती है हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स को। डायग्नोसिस जो होती है वो हम ब्लीडिंग स्कोर्स करते हैं, उसके कॉगुलेशन फैक्टर्स ऐसे कराते हैं और जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। मैनेजमेंट जो होती है ना, आपने किसी ना किसी एक कोऑर्डिनेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं उससे हमने हीमोफीलिया की मैनेजमेंट करानी होती है। जो आपके अफेक्टेड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका फैक्टर 8 और फैक्टर 9 होता है, इसको हम IV इन्फ्यूजन देके इनको रिप्लेस करते हैं। आप प्रोफाइलैक्टिकली भी कर सकते हैं फैक्टर्स को रिप्लेस, या फिर आप अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है तो फिर भी आप रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन होती है इस ट्रीटमेंट की, इसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं क्लॉटिंग फैक्टर के अगेंस्ट, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट इनफेक्टिव हो जाता है। अगर तो एक्यूट एपिसोड हुई है ब्लीडिंग की, और या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हीमोफीलिया है और आपने उसकी कोई सर्जरी करनी है, उसको स्वेयर ब्लीडिंग ना हो, या किसी पेशेंट को एक्यूट एपिसोड आई हो ब्लीडिंग की, तो उसको हम इन्फ्यूजन देते हैं फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की, या फिर उसको हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं ताकि वो 1 mg फैक्टर का रिलीज कराए और स्टिमुलेट करे 1 mg फैक्टर की रिलीज को, और एंटी फेब्रिनोलिटिक्स देते हैं जिसमें आपका ट्रांजेमिक सेट आता है। एंटी फेब्रिनोलिटिक्स आपके ब्लीडिंग को स्टॉप करती हैं, ट्रांजेमिक सेट देते हैं, साथ फैक्टर 8 फैक्टर 9 देंगे और डेस्मोप्रेसिन देते हैं, जो कि आपके 4 1 mg फैक्टर की रिलीज को स्टिमुलेट करता है।